आयत एवं वर्ग, नेक्स्ट टॉपिक है आयत एवं वर्ग। नीचे कुछ चतुर्भुज की आकृतियाँ दी गई हैं। इनकी भुजाओं और कोणों को नापो और तालिका में उनके नाम के साथ लिखो, उनके नाम के साथ लिखो। यहाँ पे एक आयत दी हुई है, चतुर्भुज कहते हैं, कह सकते हैं। यहाँ पे चतुर्भुज मतलब कि चार भुजाओं वाला एक आकार दिया हुआ है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और ये चार भुजा, इसको बोलेंगे क्या? चतुर्भुज। चतुर्भुज दिया हुआ है तो इसके कोनों पे जो कोण बन रहे हैं उसके क्या क्या कितने मतलब इसकी भुजाओं को नापना है और इसकी कोण कितने कितने कोण दिए हुए हैं उन्हें नापना है, और नाप करके यहाँ पे यहाँ इन रिक्त स्थानों पर लिखना है। चलो करके देखते हैं। तो स्केल की सहायता से पहले पी क्यू को नापेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक को, तो कितना आएगा उसको यहाँ पे लिख देते हैं। मान के चलो नापने पर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यू आर इसको नापने के लिए बोल रहा है, ये हो गया क्या 3 सेंटीमीटर। नापने पर स्केल में से सहायता से नापेंगे तो मान के चलिए हो गया 3 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर क्यों पी है, तो पी क्यों 6 सेंटीमीटर है तो आर एस भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, और जब क्यों आर 3 सेंटीमीटर है तो पी एस भी 3 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद है कोण। देखने से ही पता चल रहा है कि ये पूरे सारे जितने कोण हैं, जितने कोण बन रहे हैं वो क्या है, 90 अंश। सब क्या होंगे, 90 अंश। करने पर चांदी की सहायता से अगर आप नाप के देखो तो सब क्या होंगे, 90 अंश, 90 डिग्री। आगे देखते हैं। तुमने इस चतुर्भुज की भुजाओं में क्या विशेषता देखी? इस चतुर्भुज की भुजाओं में आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान है। क्या इसके कोणों में कोई विशेषता है? हाँ, इस चतुर्भुज के सभी कोणों का मान समान है, 90 अंश है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की हों तथा चारों कोण समकोण हों, 90 अंश है। मतलब कि ये क्या है, समकोण है, 90 अंश है और समकोण है। आमने सामने की भुजाएं समान हों और जिसके क्या चारों कोण जो है वो समकोण है, आयत कहलाता है। क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज तुमने देख लिया जिसके आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है और जो सभी कोण उसका क्या है, समकोण बनाता हो, तो इसको क्या कहेंगे, आयत। ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे, आयत। आगे देखते हैं। ऐसा ही एक चतुर्भुज अब यहाँ पे दिया हुआ है। अब ऊपर की तरह ही भुजाओं और कोणों का मापन नीचे दी गई आकृति के लिए भी करो। यहाँ पे भी एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ए बी सी डी।
ए बी सी डी। क्या करना है, ए बी सी डी के भुजाओं को नापना है और कोणों को भी नापना है और यहाँ पे लिखना है। तो ए बी की भुजाओं को स्केल की सहायता से नापेंगे तो ये मान के चलो आ गया चार, 4 सेंटीमीटर। तो एक एक भुजा को हमने नाप लिया तो सभी भुजाएं समान दिख रही है, सभी भुजाओं का क्या होगा, वैल्यू 4 सेंटीमीटर ही होगा, 4 सेंटीमीटर चारों भुजाएं क्योंकि इसकी समान है। उसी प्रकार इसमें देखने से ही पता चल रहा है और चांदे की सहायता से भी अगर हम देखें तो सभी कोण क्या है, 90 अंश बना रहे हैं, सभी कोण इसके 90 अंश बना रहे हैं। तो कोण डी ए बी बराबर 90 अंश, डी ए बी, कोण ए बी सी, ए बी सी 90 अंश, कोण बी सी डी, बी सी डी 90 अंश, कोण सी डी ए, सी डी ए 90 अंश। हो गया, सभी भुजाएं बराबर होंगी और सभी कोण भी बराबर होंगे। आगे इस चतुर्भुज की भुजाओं में क्या विशेषता है, इस चतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है, बराबर है, इस चतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर है। इस चतुर्भुज के कोणों की क्या विशेषता है, इस चतुर्भुज की सभी, इस चतुर्भुज के सभी कोणों का मान समकोण है। क्या दोनों चतुर्भुज में कोई बात समान है, हाँ दोनों चतुर्भुजों में कोणों का मान समकोण है, दोनों चतुर्भुज में जो है कोण जो है क्या है, वो समकोण है। आगे देखते हैं, क्या दोनों चतुर्भुजों में कोई अलग बात है, समान बात तो हमने देख ली, अलग बात कोई है क्या, हाँ दोनों चतुर्भुजों की भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, अलग अलग है। ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हों वो वर्ग कहलाता है। ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हों और चारों जो कोण है वो समकोण हो तो उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। इस चित्र में देखो चारों भुजाओं की लंबाई क्या थी, समान थी और चारों कोण क्या थे, सम कोण थे, तो ये हो गए क्या, इसको क्या कहेंगे, वर्ग, एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, स्क्वायर। आगे और आयत को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, आर ई सी टी ए, रेक्टेंगल। आगे देखते हैं अभ्यास, नीचे बने त्रिभुजों की भुजाओं को मापकर त्रिभुज का प्रकार बताओ, इसे
भुजाओं को नापना है। इस त्रिभुज की क्या भुजाओं को नापना है? बी ए ए सी और बी सी को नापना है और लिखना है और उसके प्रकार को बताना है। मान के चलो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 9 सेंटीमीटर। तो इसकी सारी भुजा क्या है? असमान है। तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हैं? असमान हो। इस वाले त्रिभुज में देखेंगे ये 6 सेंटीमीटर सेम है, सब सारी जो है भुजाएं वो सेम है। मान के चलो स्केल की सहायता से नापने पे सभी भुजाएं सेम है। तो ये हो गई है क्या? सम बाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं जिसकी बराबर है। इसमें ये हो गया मान के चलो स्केल की सहायता से नापने पे 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये भुजा जो है वो बराबर नहीं है, लंबी है। तो ये हो गया सम द्वि बाहु त्रिभुज। क्या हो गया? सम द्वि बाहु त्रिभुज। आगे देखते हैं, इन त्रिभुजों के कोणों को नापो। कोण के नापना है और त्रिभुज का प्रकार बताना है। त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज है उसे बताना है, कोण को नापना है, कोणों को। ये हो गया 90 सेंटीमीटर, 90 अंश, ये हो गया 45 अंश। नापने से चांदे की सहायता से ये हो गया 45 अंश। इस कोण को क्या कहेंगे? सम कोण। जिसका एक भी कोण 90 अंश है उसे क्या कहेंगे? सम कोण, है ना? ऐसा ही कुछ था क्या? हाँ, सम कोण। जिसकी दो से अधिक कोण जो है न्यून कोण हो तो उसे न्यून सम कोण त्रिभुज। ये हो गया क्या? हो गया सम कोण त्रिभुज। जिससे दो से अधिक कोण जो है न्यून कोण हो गया, ये मान के चलो हो गया 45 अंश, ये हो गया 30 अंश, तो ये कोण हो गया क्या? होगा न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे इसे? न्यून कोण त्रिभुज। ये हो गया 70 अंश, या कुछ जितना भी अंश आ रहा है नापने पे वो लिख सकते हैं। तो ये लेकिन त्रिभुज का नाम क्या होगा इसका? न्यून कोण त्रिभुज। जिसका एक कोण अधिक कोण हो, ये अधिक कोण दिख रहा है, 90 अंश से अधिक दिख रहा है ना, तो इसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। आगे नीचे कुछ चतुर्भुज बने हैं। इन चतुर्भुजों की भुजाओं की लंबाई माप कर बताओ कि कौन से चतुर्भुज वर्ग हैं और कौन से आयत हैं। ये बराबर दिख रहे हैं, मान के चलो इसको नापने पे 2 सेंटीमीटर आया, ये भी 2 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर आएगा। ये हो गया क्या? वर्ग। इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर दिख रही हैं, ये आयत हो गया, नाप सकते हैं। इसके लिए सहायता से नापेंगे, मान के चलो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर आएगा। ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही आएगा। ये है वर्ग, थर्ड वाला है वर्ग। इसमें भी 2 सेंटीमीटर आया ये पहला, तो ये भी 2 सेंटीमीटर आएगा, 2 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर वर्ग। ये वाला है आयत, ये 2 सेंटीमीटर आया, तो ये भी 2 सेंटीमीटर आएगा। ये 8 सेंटीमीटर आया, तो ये भी 8 सेंटीमीटर आएगा नापने से। ये आयत क्या है? ये आयत, ये वर्ग है पहला वाला, दूसरा आयत, फिर वर्ग, ये आयत। आगे पुस्तक, कॉपी, पुस्तक दिया है, कॉपी दिया है, माचिस का डिब्बा, चौक का डिब्बा, ईंट, इन सभी वस्तुओं को ध्यान से देखो। तुम देखते हो इनकी प्रत्येक सतह आयत के आकार की है। इनकी प्रत्येक जो सतह है वो आयत के आकार की है। प्रत्येक सतह अपने सामने वाली सतह के समान है। इस तरह
के आकार की छह सतह वाली वस्तु को घनाभ कहते हैं। छह सतह वाली वस्तु को क्या कहेंगे? घनाभ कहेंगे। तुम चौक के खाली डिब्बे के जोड़ों को काट कर फैलाओ, जो नीचे बने चित्र के अनुसार दिखेगा। इसे चौक के डिब्बे का नेट जाल कहते हैं। चौक के डिब्बे का नेट जाल। आओ घनाभ का चित्र बनाएं। घनाभ का चित्र बनाने के लिए पहला क्या है? पहला चरण दिया हुआ है, ऐसे बनाते हैं। फिर उसी के ऊपर में एक और आयत बनेगा, एक आयत, फिर उसके बाद दूसरा आयत, फिर इन सबको जोड़ने पर क्या बनता है? घनाभ बनता है। ये हो गया चरण तीन। आगे ये दिया हुआ है पासा घन। तुमने पासा देखा है? जिसके सभी सतह आयत के आकार हों उन्हें घनाभ कहेंगे, और जिसकी सभी सतह क्या होंगे? वर्ग के आकार के होंगे, उन्हें क्या कहेंगे? घन कहेंगे। क्या कहेंगे? घन। इस प्रकार की वस्तुओं का आकार घन के आकार के समान होता है। नीचे वाले चित्र को देखो। यहाँ पे आइसक्रीम का कोन दिया हुआ है। आइसक्रीम कोन, जन्मदिन की टोपी, बर्थडे कैप या मंदिर की ऊपरी हिस्सा, ये तीनों दिया हुआ है। ये सब क्या है? शंकु के आकार के हैं। ये सभी वस्तु जो है शंकु के आकार की हैं। किसी ढक्कन वाली खोखली शंकु की वस्तु को काटकर पूरी तरह खोलने पर वह वस्तु कुछ इस प्रकार दिखेगी। कोई वस्तु है शंकु टाइप सी, टोपी है, मान के चलो कोई शंकु जैसे टोपी है, उसको अगर खोलेंगे तो ये निचला हिस्सा क्या है? अलग से निकल जाएगा गोल, और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इस प्रकार दिखेगा खोलने के बाद। मतलब जैसे कोई कोन है तो खोलने के बाद ऐसा दिखेगा। शंकु है, ये शंकु का नेट है। बेलन, नीचे बने चित्रों को देखो। ये है बैटरी। पहला क्या है? बैटरी दिया हुआ है। कांच का गिलास, कप है, और घी का डिब्बा, ये सभी वस्तुएं बेलन के आकार की हैं। बेलन को काट कर पूरा फैलाने पर वह कुछ इस प्रकार दिखेगा, जिसे बेलन का नेट या जाल कहेंगे। ये बेलन है, इसे खोलने पर ये ऊपर हिस्सा अलग निकलेगा, ये निचले हिस्सा अलग निकलेगा दो ठो गोले के साथ, और ये जो है एक कागज की तरह निकलेगा, कागज की प्लेट की तरह, या उसको ऐसा निकालने पर ऐसा निकलेगा, और ये आयत के हिसाब से निकालेंगे तो मतलब ऐसे उल्टा करेंगे इसी को तो ये ऐसा दिखेगा कागज का। इसी को अगर गोल कर, इसी को राउंड, ऐसे पेपर को ऐसे राउंड करूंगी मैं तो ये गोल जैसे बन जाएगा, फिर इसको ऊपर नीचे चिपकाने से ये बेलन के आकार का बनेगा बनेगा। ये हो गया, हम आकार के बारे में कुछ जाने। अब इसके बाद है अध्याय 12, लंबाई। लंबाई किसे कहेंगे? लेंथ, LENGH टी, लेंथ। लेंथ किस किसको कहेंगे उसके बारे में अभी हम जानेंगे 12th चैप्टर में। लंबाई, लेंथ।